मैं पूछता हूँ जानने के बावजूद, मैं पूछता हूँ क्योंकि भारतीय संस्कृति में विजय जी बहुत एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। आपका बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, पश्चाताप। पश्चाताप बीजेपी कर रही है, पश्चाताप करो विजय, पश्चाताप करो। 70 साल राम मंदिर के खिलाफ, पश्चाताप करो। आचार्य जी समझा देंगे भारतीय संस्कृति में पश्चाताप की मायने क्या होती है। पश्चाताप करो, कान पकड़ो, मोदी माफी मांगो। अरे किसके लिए, किसको खुश करने के लिए खिलाफ खड़े थे? कह दीजिए इनको आचार्य जी कि अगर आप माफी मांगेंगे तो माफी मांगे, चुपचाप से हाथ जोड़ के माथा टेक के लोगों को कहे गलती हो गई, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र किया, राम मंदिर को रोकने की कोशिश की नेहरू से लेके सोनिया गांधी ने, राम मंदिर को रोकने की कोशिश की, तो माफी मांगो, सर झुका के माफी मांगो, छोड़ देंगे क्यों आचार्य जी? अगर सीना तान के बोलेंगे कि हमने कुछ नहीं किया तो छोड़ेंगे क्या? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यूज डिबेट रिएक्शन वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की इस डिबेट के अंदर अर्णव गोस्वामी, सभी जो राम विरोधी है उन सभी लोगों की अच्छी खासी बैंड इस डिबेट में बजाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, आप देखेंगे कि किस तरह से अर्णव गोस्वामी कांग्रेस समेत सभी पार्टियों को इस डिबेट में घेरेंगे और पूछेंगे कि भैया 70 साल तक आपने राम मंदिर का विरोध क्यों किया। दोस्तों वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देख के जाइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा देश ये जानना चाहता है कि सोनिया गांधी को राम मंदिर से क्या दुश्मनी है, आप समझ ही सकते। इसलिए आज पूछता है भारत, क्या राम मंदिर पर देरी करने के लिए कांग्रेस देश से माफी मांगेगी? क्या सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए कांग्रेस ने 70 साल तक हिंदुओं से धोखा किया? और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस ने जान पूछकर मंदिर के बहाने हिंदू मुसलमानों का बंटवारा करने की कोशिश की? ये सवाल भी मैं नहीं पूछता है भारत। कह दीजिए इनको आचार्य जी कि अगर आप माफी मांगेंगे तो माफ करेंगे, मगर अगर माफी नहीं मांगेंगे, 70 साल तक राजनीतिक कारणों से राम मंदिर को इन्होंने रोक के रखा, बिल्कुल, अगर माफी नहीं मांगेंगे आचार्य जी तो हम डिबेट करेंगे क्यों? माफी मांगे, चुपचाप से हाथ जोड़ के माथा टेक के लोगों को कहे गलती हो गई, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र किया, राम मंदिर को रोकने की कोशिश की नेहरू से लेके सोनिया गांधी ने, राम मंदिर को रोकने की कोशिश की, तो माफी मांगो, सर झुका के माफी मांगो, छोड़ देंगे क्यों आचार्य जी? बिल्कुल। अगर सीना तान के बोलेंगे कि हमने कुछ नहीं किया तो छोड़ेंगे क्या आचार्य जी? आप बताइए पहले इनको। बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ना है। आचार्य वही लोग हैं जिन्होंने राम सेतु पर प्रश्न किया, ये वही लोग हैं जो एफिडेविट देते हैं जाकर कहते हैं कि राम का औचित्य नहीं है, रामलला का जन्म ही नहीं हुआ। ये वही लोग हैं जो तथाकथित तौर पर हमेशा इस बात से लोगों को बरगलाते रहे, लड़ाते रहे अनेक अनेक कारणों से, जिस प्रकार से पिछले 70 सालों में रामलला को जन्मस्थल दिलाने के लिए जिस प्रकार की डिले करते रहे, इनके वकील पेश होते रहे, कपिल सिब्बल वहां पेश होते रहे, बिना वकालतनामे के पेश होते रहे और कहते रहे कि डिले कर दीजिए, 2019 के बाद डिसीजन दे दीजिएगा। और कौन से आचार्य जी, सुनिए मेरी बात, प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं, क्षमा मांग लो, राम माफी मांगने की, राम से इन सवालों का जवाब तो दे दीजिए, कांग्रेस को कोई भी माफी मांग लेगी वोट के लिए, अरे वो भी उसी तक रह रहा, आपको तो मुसलमान कहलाने का भी हक नहीं है। आपने डिसीजन आने से पहले, मुसलमान का अर्थ होता है मुसल्लम, जिसका ईमान, आप तो वो लोग हैं, बस फिर फ्रीज हो गए, क्या हो गया, बात बंद करिए, तमाम चैनलों पे आकर कानून का गला घोटने वाले, एक मिनट, आप तो अतीकुर रहमान, आज चुपी हो जाइए, आप मुझे बताइए अगर वास्तविक तौर पर मुसल्लम ईमान है तो ईमान की बात करें, ईमान छोड़ दिया आपने तो, आप आज पूरा देश इस बात समक्ष है, आपके तमाम जितने भी हमारे चैनल है उन सब लोगों में आप लोगों ने जाकर कहा कि हर वो हिंदू मानना नहीं करेंगे, बुरा ना माने तो मुझे बताइए आज, और कह दीजिए विजय जी मुझे सब कुछ पता है, विजय जी सब कुछ पता है, क्या बात कर रहे हो? मैं देखिए मेरी बात, विजय जी मैं छोटी सी बात कर दूं, के शर्मा जी छोटी सी बात, मैं कभी कभी जाता हूं इधर उधर घूमने घामने सैर करने, लोग मुझे मिलते हैं तो कहते हैं अर्णव तुमने अपना प्रोग्राम करना पूछता है भारत क्यों किया, तुम तो जानते हो सच क्या है। मैं उनको कहता हूं कि मैं पूछता है भारत मैंने इसलिए नाम लिया, और मैं पूछता हूं जानने के बावजूद, मैं पूछता हूं क्योंकि भारतीय संस्कृति में विजय जी बहुत एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपका बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, पश्चाताप। पश्चाताप बीजेपी कर रही है, पश्चाताप करो विजय, पश्चाताप करो, 70 साल राम मंदिर के खिलाफ, पश्चाताप करो। आचार्य जी समझा देंगे भारतीय संस्कृति में पश्चाताप की मायने क्या होती है, पश्चाताप करो, कान
पकड़ो तो मोदी जी माफी मांगो चाहिए। अरे किसके लिए, किसको खुश करने के लिए भगवान राम के खिलाफ खड़े थे? किसको खुश करने के लिए भगवान राम के खिलाफ खड़े थे? ये हर जगह केवल बरगलाने काम करते हैं और ये लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आपने हिंदुओं के आस्था पर कैसे चोट की? आपके मणिशंकर अय्यर कहते हैं महल के अंदर 10,000 कमरे हैं, बताओ भगवान राम कहाँ पैदा हुए? आप यह प्रश्न, आपके दिग्विजय सिंह कहते हैं कि विवादित स्थल पर भगवान राम भी मंदिर नहीं चाहेंगे, शशि थरूर कहते हैं कि गुड हिंदू जो है। थरूर छोड़ दीजिए, इस तरह की भाषा से, इस तरह के शब्दों से आपसे सोनिया गांधी एक आखिरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये हम ना भूले कि आधारशिला किसने रखी राम मंदिर की? कांग्रेस ने। अयोध्या से चुनाव अभियान किसने शुरू किया? राजीव गांधी ने। किसने कहा कि राम राज्य लाएंगे? कांग्रेस ने। फिर उसके बाद क्यों कहा कांग्रेस ने कि भगवान श्री राम तो थे ही नहीं? किसके डर से कहा और क्यों कहा? किसने कहा? क्या इटली से किसने कहा सोनिया गांधी को? किसने कहा बताइए मुझे, किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट में जाकर छोड़ दीजिए व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद ये सवाल भी मैं नहीं, ये सवाल भी मैं नहीं भाई और बहनों, ये सवाल भी मैं नहीं, ये सवाल भी पूछता है भारत। दोस्तों सबसे पहले सभी सच्चे देशभक्त और रामभक्त प्लीज कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत वंदे मातरम और जय श्री राम जरूर से लिख के जाएगा। बात ही दोस्तों आज की इस डिबेट की, तो दोस्तों आज की डिबेट राम मंदिर के मुद्दे पर थी, जिसमें दोस्तों डिबेट के एंकर अर्णव गोस्वामी ने कांग्रेस समेत सभी पार्टियों की बैंड बजा के इस डिबेट में रख डाली और उन्होंने पूछा कि आखिर आपने 70 साल तक राम मंदिर का विरोध क्यों किया और हिंदुओं के आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया। खैर दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि अगर 22 जनवरी को ये सभी लोग चले जाते जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी ही इमेज को, मतलब जो हिंदू इन्हें ना पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं इनकी इमेज को सुधार मिलता, लेकिन इन्होंने ना जाकर राम मंदिर सबसे बड़ी पैर पर अपने कुल्हाड़ी मार डाली। क्योंकि दोस्तों राम तो सभी के हैं ना भाई, मेरे भी है, आपका भी है, सभी के है, और राम का विरोध क्यों कर रहे हो? अगर आपको बीजेपी को विरोध करना है आप घेर सकते हो, कई राजनीति कर सकते हो, बहुत से मुद्दे जिसमें आप बीजेपी को घेर सकते हो, लेकिन राम का विरोध आप नहीं कर सकते इस देश के अंदर, क्योंकि राम के नाम से इस देश को जाना जाता है। खैर दोस्तों ये अपनी अपनी मानसिकता है, ये नहीं गए, इन्होंने अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, ये सब इन्हीं की किया कराया जो इनको 2024 में फल देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय इस डिबेट को लेकर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता के जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करके जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।